उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर शनिवार को पोलिंग होगी। छठे चरण की 14 सीटों में सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोही शामिल है। छठे चरण की 14 सीटों पर कुल 162 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें 146 पुरुष व 16 महिला प्रत्याशी हैं। वहीं गैंसड़ी विधानसभा की रिक्त सीट के लिए भी मतदान शनिवार को होगा। छठे चरण की 14 सीटों पर 2.7 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं। कई सीटों पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। इस चरण की 14 सीटों में से 12 सीटें सामान्य श्रेणी की है और 2 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। 2019 के चुनाव नतीजों पर नजर डालें तो इस चरण की 9 सीटों पर भाजपा, 4 पर बसपा और 1 पर सपा जीती थी। हालांकि उपचुनाव में सपा को आजमगढ़ सीट गंवानी पड़ गई थी। छठे चरण में मुख्य रूप से सुल्तानपुर से भाजपा की वरिष्ठ नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी, आजमगढ़ से भाजपा के दिनेश लाल यादव निरहुआ और सपा के धर्मेंद्र यादव, श्रावस्ती से भाजपा के साकेत मिश्र, डुमरियागंज से भाजपा के जगदम्बिका पाल, इलाहाबाद से भाजपा के नीरज त्रिपाठी और कांग्रेस के उज्ज्वल रमन सिंह और जौनपुर से भाजपा की टिकट पर कृपाशंकर सिंह मैदान में हैं। भाजपा ने 8 सीटों पर प्रत्याशी रिपीट किए हैं। 6 सीटों भदोही, श्रावस्ती, अम्बेडकर नगर, इलाहाबाद, फूलपुर और जौनपुर में नए चेहरे मैदान में उतारे हैं। बीती 20 मई को प्रदेश में 5वें चरण में वोटिंग प्रतिशत 57.98% रहा। NDA, इंडिया ब्लॉक और बहुजन समाज पार्टी बसपा द्वारा अपने उम्मीदवार मैदान में उतारने से त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। भाजपा इस चरण में क्लीन स्वीप के साथ 9 सीटों पर जीत की हैट्रिक लगाना चाहेगी। इस चरण में जिन सीटों पर चुनाव होगा उनमें 2019 में अंबेडकर नगर, लालगंज, जौनपुर, श्रावस्ती और आजमगढ़ छोड़कर बाकी सीटें भाजपा ने जीती थी। हालांकि उपचुनाव में सपा को आजमगढ़ सीट भाजपा के हाथों गंवानी पड़ गई थी। प्रतापगढ़ में भाजपा ने संगम लाल गुप्ता को दूसरे बार मैदान में उतारा है। वहीं बसपा ने प्रथमेश मिश्रा सेनानी और सपा ने शिवपाल सिंह पटेल को उम्मीदवार बनाया है। इलाहाबाद संसदीय सीट से भाजपा ने पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व राज्यपाल केशरी नाथ त्रिपाठी के बेटे नीरज त्रिपाठी को मैदान में उतारा है। नीरज के कंधों पर जीत की हैट्रिक लगाने की जिम्मेदारी है। उनका मुकाबला कांग्रेस के उज्ज्वल रमन सिंह से है। वहीं बसपा ने रमेश कुमार पटेल को मैदान में उतारा है। अम्बेडकर नगर सीट पर भाजपा ने नए चेहरे रितेश पांडेय पर दांव लगाया है। मौजूदा सांसद रितेश ने पिछला चुनाव बसपा की टिकट पर जीता था, अब वो भाजपा में शामिल हो गए हैं। बसपा ने कमर हयात और सपा ने पूर्व मंत्री लालजी वर्मा को टिकट दिया है। श्रावस्ती सीट पर भाजपा ने नए चेहरे MLC साकेत मिश्र पर दांव लगाया है। बसपा ने मुइनुद्दीन अहमद खां उर्फ हाजी दद्दन खां और सपा ने मौजूदा सांसद राम शिरोमणि वर्मा को मैदान में उतारा है। राम शिरोमणि ने पिछला चुनाव बसपा की टिकट पर जीता था। डुमरियागंज से भाजपा ने मौजूद सांसद जगदम्बिका पाल को मैदान में उतारा है। बसपा मोहम्मद नदीम और सपा से भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी मैदान में है। यहां मुकाबला भाजपा और सपा के बीच है। इस सीट पर भाजपा जीत की हैट्रिक लगाना चाहेगी।